हेलो एवरीवन, सिविल सेवा में आप सबका स्वागत है। आई होप कि आप अच्छा कर रहे होंगे। और ये सुबह का समय है और 12 जून को आपको डेली करंट अफेयर आपको सुबह सुबह मिलना शुरू हो जाएगा। डेली कोशिश करेंगे कि 7 बजे एटलीस्ट आपको करंट अफेयर मिलना शुरू हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, आपको एक प्रैक्टिस भी दी जाएगी इसके साथ। ये प्रैक्टिस है, ये टेलीग्राम चैनल पे आपको प्रोवाइड की जाएगी। इसमें 15 से 20 क्वेश्चन होंगे, जैसे 20 क्वेश्चन है इसमें, और लगभग इसमें स्टैटिक और करंट दोनों मिक्स क्वेश्चन दिया जाएगा। डेली प्रैक्टिस के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो इससे आप जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पे, वहाँ पे आपको ये चीज़ें फ्री में प्रोवाइड कर दी जाएंगी। टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। और उससे पहले मैं बता दूँ कि एक यहाँ पे आपको जो ये पहला वाला चैनल है, यहाँ पे आपको मिलेगा ये, एक सेकंड मैं थोड़ा सा कनेक्ट कर लूँ। तो यहाँ पे आपको जो पहला वाला दिख रहा है, इस पे आपको मिलेगा पीडीएफ्स, जो कि आपने अभी देखे, ये वाले पीडीएफ भी करंट अफेयर के, प्लस दूसरा आपको मिलेगा इस पे कि जो आपकी प्रैक्टिस है, लगभग 20 क्वेश्चन डेली, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल फ्री होगा। और मेंटरशिप का प्रोग्राम चल रहा है एसएससी सीजीएल एग्जाम का, वो भी फ्री है। और क्विज, जीके की क्विज, डेली क्विज आती है इस पे 25 क्वेश्चन, इंग्लिश की क्विज आती है, और यूपी एग्जाम से रिलेटेड चीज़ों की यहाँ पे आपको चीज़ें प्रोवाइड करा जाती हैं। तो जो उसको भी जुड़ना है, ये डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा सारे लिंक, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। चलिए बात कर लेते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल द्विवेदी जी को आप बनाया गया है क्या? अब बनाया जाएगा 30 जून के बाद हमारे आर्मी चीफ बनेंगे द्विवेदी जी, ठीक है। ये बहुत ही बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि इसके पहले कौन था ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके पहले थे मनोज पांडे। मनोज पांडे जी का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो जाएगा, और 30 जून के बाद कौन बनेगा? जनरल उपेंद्र द्विवेदी हमारे नेक्स्ट चीफ होंगे आर्मी के। और देखिए, हिंदी और इंग्लिश में दोनों में प्रोवाइड किया जाएगा। मैं किसी भी एक भाषा में ओवरऑल आपको थॉरो बताऊंगा, पूरी थ्योरी मैं नहीं पढ़ूंगा, ठीक है। 30 जून के बाद मनोज पांडे जी का कार्यकाल खत्म होगा, उसके बाद आर्मी चीफ बन जाएंगे कौन? उपेंद्र द्विवेदी। तो क्वेश्चन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और आने वाले एग्जाम में आपको जरूर दिख जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 4 टाइम के एमएलए थे मोहन मांझी, जिसको अब उड़ीसा का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने नियुक्त कर दिया है। अब कुछ क्वेश्चन यहाँ से जागृत होते हैं, इसके पहले कौन था? इसके पहले थे नवीन पटनायक, ठीक है, नवीन पटनायक। और ये बीजू जनता दल के थे, बीजेडी के। यहाँ पे देखिए, बीजेडी ने 51 सीट पाई, काफी साल से वहां पे उड़ीसा में इनका था। इस बार थोड़ा सा एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसके कारण वो हार गए, और बीजेपी ने 78 सीट जीती, और लोकसभा में भी 21 में से 20 सीटें बीजेपी ने जीती थी, ठीक है। और आईएनसी ने 14, और 3 आईएनडी ने, और सीपीआई ने 1। तो ओवरऑल जो बहुमत के लिए 74 का आंकड़ा होता है, उसको बीजेपी ने अकेले टच कर दिया, और इसलिए इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। कौन थे? मोहन मांझी। और उड़ीसा के दो चीफ वो रहेंगे, डिप्टी सीएम भी रहेंगे, और जिसमें जिनका नाम है केवी सिंह देव रहेंगे और पार्वती परिदा, ठीक है। तो ये चीजें आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। और देखिए, बहुत सारा मतलब बीजेपी का एक होता है ना, कि वो कास्ट के हिसाब से चीजों को ओरिएंटेड करती है। तो उड़ीसा में अगर देखा जाए तो माझी की संख्या हो सकती है ज्यादा हो, जिसके कारण वहां पे इस चीज को प्रमोट किया गया। तो इस तरह से भी आप याद रख सकते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। अब मलावी के वाइस प्रेसिडेंट को अभी आप हाल ही में दुर्घटनाग्रस्त हो गया हेलीकॉप्टर, जिसके कारण उनका डेथ हो गया है। तो उनके वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है। तो ये है साउलोस चिलिमा, साउलो चिलिमा। ये इंपॉर्टेंट है, ये क्योंकि अभी आपको पता होगा ईरान में भी ये घटना हुई थी, ईरान में भी हेलीकॉप्टर का वो हुआ था। तो ये आप पता, उसमें बहुत सारी भी इंटरनल मतलब की एजेंसियां का बहुत सारा रोल रहा है। तो एग्जैक्ट क्या है किसी को नहीं पता है, यहाँ के पीएम का नाम आपको बताना है, ठीक है। ईरान के पीएम का होमवर्क है ये, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे, ठीक है। देख के बताइए, जैसे बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो एक्चुअली क्या होगा ना, इस चीज से आपको आगे की चीजें कवर होंगी। अब देखिए, यहाँ पे बात कर लेते हैं मलावी के बारे में। तो मलावी का जो है ना, 6 जुलाई 1964 में, काफी गरीब देश है अगर देखा जाए तो, 64 में ये आजाद हुआ। और प्रीवियसली इसको न्यासलैंड बोला जाता था। कैपिटल क्या है? लिंगावे, लिंगोवे। और भाषा में अंग्रेजी और चिचेवा ज्यादा बोला जाता है, ईसाई धर्म के लोग मेजोरिटी हैं। और मुद्रा कौन सी यूज की जाती है? तो मलावी काचा, ठीक है, मलावी काचा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। और लैंग्वेज में भी एक चीज देख सकते हैं, चिचेवा भी यहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज है, चिचेवा, इंग्लिश और चिचेवा। और अभी वर्ल्ड बैंक ने क्या बोला है ना, इंडिया को बोला है कि 3 साल में 6.7% की ग्रोथ रेट से वृद्धि होगी इंडिया की। ये कौन बोला है? ये वर्ल्ड बैंक बोला है। अब वर्ल्ड बैंक के दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेगी, कि अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, कि वर्ल्ड बैंक के जो प्रेसिडेंट हैं वो कौन है? तो वो है अजय बंगा, अजय बंगा। एक्चुअली ये इंडियन ओरिजिन के हैं, बट यूएसए के हैं,
और इंडियन ओरिजिन से इनका बिलोंग है, ठीक है, बिलोंगिंग है। अब देखिए कुछ यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन ये बनता है कि आईएमएफ का गठन कब हुआ, तो आईएमएफ सॉरी वर्ल्ड बैंक का गठन कब हुआ, 1944 में ब्रेटन वुड कमेटी के तहत। और ब्रेटन वुड कमेटी के तहत दो एक और हुआ था जिसका नाम था आईएमएफ। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक दोनों ब्रिटेन वुड के तहत हैं, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा जा चुका है। दूसरी चीज़, इसका हेडक्वार्टर क्या है, वाशिंगटन डीसी में है। इसमें पांच टोटल जो संस्थाएं हैं इसके अंडर आती हैं, जिसमें है आईबीआरडी जो कि 189 मेंबर है, 174 मेंबर आईडीए में, फिर मीगा है और आईएफसी है और आईएससीएसआईडी है। सबका लोन और इन चीज़ों से वितरण है, सबका डिफरेंट डिफरेंट काम है, इसलिए अलग अलग चीज़ों में दिया गया। और अजय बंगा इसके करेंटली प्रेसिडेंट है, तो इसमें से ये चीज़ें आपको पूछी जा सकती हैं। अब देखिए हाल ही में क्या हुआ है ना कि आंध्र प्रदेश में भी इलेक्शन हुआ है, आपको पता होगा। आंध्र प्रदेश के सीएम चुने गए हैं कौन, चंद्रबाबू नायडू, ये हैं चंद्रबाबू नायडू, ठीक है, आप इमेज देख रहे होंगे, चंद्रबाबू नायडू जी हैं ये। और इनको अब जो उनकी एनडीए अलायंस थी, वैसे भी इनका मतलब पूर्व बहुमत था, एनडीए अलायंस ने इनको चूज किया है सीएम के लिए, जिसमें कि जो तो तीन पार्टियां थी, जिसमें कि टीडीपी थी, तेलुगु देशम पार्टी थी, फिर उसके बाद पवन कल्याण की राजसेना करके पार्टी थी, और उसके बाद एक जनसेना जनसेना और एक बीजेपी थी। तो ये तीनों पार्टियां मिलके काफी अच्छा यहाँ पे बहुमत ला दी है। 11 सीट वाईएसआर की थी, वाईएसआर थोड़ा सा गलती भी इन्होंने काफी वहां पे जनता को काफी ज्यादा मतलब वहां पे क्या होता है ना, आंध्र प्रदेश में एक वेव चलती है, एक बार इनकी सरकार आएगी एक बार उनकी आएगी, तो इस बार वेव थी वाइस टीडीपी की और इसलिए यहाँ पे हार गए। तो अगला क्वेश्चन आ सकता है कि आंध्र प्रदेश के सीएम कौन बने, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू बने। नेक्स्ट आते हैं, चंद्रबाबू नायडू ने एक चीज और बोली है, क्योंकि वहां का क्या है ना कि अभी कैपिटल डिसाइड नहीं हो पा रहा था, तो इसको इस बार उन्होंने थोड़ा सा क्लेरिफाई कर दिया कि अमरावती ही कैपिटल रहेगा, ठीक है, आने वाले समय में। अमरावती एक डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे और काफ़ी हिस्टोरिकली भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ठीक है, तो आंध्र प्रदेश। और जब ये तेलंगाना के साथ जुड़ा हुआ था ना आंध्र प्रदेश, तो इसकी राजधानी क्या होती थी, हैदराबाद। हैदराबाद से अब हैदराबाद कहाँ चला गया, तेलंगाना में, तेलंगाना में चला गया, तो अब तेलंगाना की राजधानी हो गई है हैदराबाद। और 2014 में ये चेंजेस आए थे, मतलब तेलंगाना हटा था, दोनों डिवाइड हुए थे, ठीक है। अब आते हैं यूसीसी। अभी यूनियन मिनिस्टर जो अभी रिसेंट में बने हैं, उन्होंने यूसीसी बोला है कि यूसीसी हम जल्दी लागू करेंगे। एक्चुअली यूसीसी है क्या, यूसीसी क्या करता है ना, एक कॉमन कानून जो होता है, एक कॉमन लॉ होता है जो कि सबके लिए एलिजिबल हो, सबके लिए रेगुलर हो। जैसे क्या होता है ना, मुस्लिम कम्युनिटी में है कि मुस्लिम्स अपना रूल फॉलो करते हैं, पहले हिंदू में भी हुआ करता था, हिंदू मैरिज एक्ट और ये सब, लेकिन अब वो क्या हो गया, अब वो सब हट गया, अब हिंदू वाला भी कोई नहीं बचा है, तो वो कॉमन मानते हैं। लेकिन अब मुस्लिम में, लेकिन अभी भी बहुत सारे, जैसे तीन तलाक वाला था वो अभी लास्ट ईयर हटा है, तो वो सब चीजें अब धीरे धीरे हट रही हैं, तो इसलिए यूसीसी लाया जाएगा जो कि कॉमन लॉ होगा और सबके लिए होगा, तो विच इज वेरी गुड फॉर एवरीवन, और इसको किसी के साथ नहीं जोड़ना चाहिए। और ये कहाँ पे मेंशन है, तो आर्टिकल 44 डीपीएसपी में ये मेंशन है, तो ये भी कई बार पूछा जाता है। नेक्स्ट आते हैं, अब देखिए मोहम्मद मुइजू अभी आए हैं इंडिया, और मोहम्मद मुइजू कौन है, ये मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, मालदीव के प्रेसिडेंट हैं, और ये विदेश मंत्री के साथ मिलके, मोहम्मद शरीफ के साथ मिलके यहाँ पे आए हैं, सॉरी, ठीक है। और ये इसलिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी अभी कुछ दिन पहले आपको पता होगा कि इंडिया के खिलाफ काफ़ी ज़्यादा ये बोल रहे थे, यही हैं, ठीक है, सॉरी माफ़ कीजिए, ये हैं, तो ये ज़्यादा बोल रहे थे। तो इनको क्या हुआ ना कि हमारे मोदी जी जाके लक्षद्वीप में बैठ गए, और इनका जो टोटल बिजनेस चलता है वो टूरिज्म से चलता है। अब जब मोदी जी जाके वहाँ बैठ गए तो इनकी हालत ख़राब हो गई, यहाँ का टूरिज्म मेजोरिटी, हर पहला जो फर्स्ट सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जाते हैं वो इंडिया से जाते हैं, तो इंडियन टूरिस्ट ने उसको बाइकॉट कर दिया और वो जाने लगे कहाँ, लक्षद्वीप। अब जब लक्षद्वीप जाने लगे तो इनकी हालत ख़राब हो गई, अब यहाँ से इनकी थोड़ी सी समझ में आएगी, गलती हो गई थोड़ा सा, ये चाइना ओरिएंटेड था, और इनका सरकार ही इसी बेस पे बनाए थे कि इंडिया के हम अगेंस्ट जाएंगे, और इंडिया के आर्मी और भी वहाँ से वापस करने लगे थे, ये सब चीज़ें थी। तो कुछ चीज़ें बनती हैं यहाँ पे। एक देखिए, एक तो एशिया की वन ऑफ द लार्ज स्मॉलेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री है इंडियन ओशियन में, ये है पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसकी राजधानी क्या है, माले है, और इसका 8 डिग्री चैनल से ये इंडिया को अलग करती है मालदीव, ठीक है, मालदीव से 8 डिग्री चैनल से, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए होमवर्क में ये चीज़ें भी बता दीजिए आप, 9 डिग्री और 10 डिग्री के बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे, ठीक है, कमेंट में बताएंगे, और मैं कमेंट लाइक भी करूंगा जिसका सही होगा, ठीक है। अब बेंगलुरु बेस्ड एक सिनेमेटोग्राफर थे जिनका नाम था नेत्र गुरुराज। अच्छा, एक चीज़ और मैं बता दे रहा हूँ, ये खत्म होने के बाद एमसीक्यू भी मैं कराऊंगा, ठीक है,
एमसीक्यू के साथ चलेंगे। अब इनको इनको क्या क्या मिला मिला है, है इनको इनको ऑस्कर ऑस्कर एकेडमी एकेडमी में में गोल्डन गोल्डन राइजिंग राइजिंग प्रोग्राम प्रोग्राम में में इनको इनको भागीदारी भागीदारी इनको इनको मिली मिली है, है, ये ये बहुत बहुत बड़ी बड़ी बात बात है। है। संग्राम संग्राम सिंह सिंह ने ने हिस्ट्री हिस्ट्री क्रिएट क्रिएट की की है है एमएमए एमएमए में, में, ये ये पहले पहले इंडियन इंडियन रेस्टलर रेस्टलर है है मेल मेल रेसलर रेसलर जिनको जिनको मौका मौका मिला मिला है, है, ठीक ठीक है, है, तो तो ये ये भी भी इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, ये ये भी भी याद याद रखिएगा। रखिएगा। अब अब आते आते हैं हैं नेक्स्ट नेक्स्ट एमसीक्यू एमसीक्यू करते करते हैं, हैं, वो वो हैज हैज बीन बीन देखिए देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन भी भी यहीं यहीं से से होगा, होगा, अब अब आपका आपका काम काम है है आप आप इसको इसको आंसर आंसर में में देते देते रहिएगा। रहिएगा। वो वो हैज हैज बीन बीन अपॉइंटेड अपॉइंटेड एज एज द द नेक्स्ट नेक्स्ट आर्मी आर्मी चीफ चीफ ऑफ ऑफ इंडिया। इंडिया। तो तो ऑब्वियस ऑब्वियस है, है, पहले पहले कौन कौन थे, थे, मनोज मनोज पांडे पांडे थे, थे, अब अब कौन कौन है, है, जनरल जनरल उपेंद्र उपेंद्र द्विवेदी। द्विवेदी। नेक्स्ट नेक्स्ट आते आते हैं, हैं, वेन वेन विल विल बी बी द द जनरल जनरल पांडे, पांडे, मनोज मनोज पांडे पांडे रिटायर, रिटायर, कब कब मनोज मनोज पांडे पांडे रिटायर रिटायर होंगे, होंगे, तो तो वो वो होंगे होंगे 30 30 जून जून को। को। मैंने मैंने पहले पहले ही ही बोला बोला था था 30 30 जून जून को को रिटायर रिटायर होंगे, होंगे, उसके उसके बाद बाद ये ये चार्ज चार्ज लेंगे। लेंगे। व्हेन व्हेन डिड डिड द द मलावी मलावी गेन गेन इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, आपको आपको पता पता होगा होगा 1964 1964 6 जनवरी, 6 जनवरी, ये ये तो तो आएगा आएगा नहीं, नहीं, लेकिन लेकिन फिर फिर भी भी मैंने मैंने दे दे दिया दिया है। है। इसमें इसमें ये ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है है कि कि वहाँ वहाँ के के पीएम पीएम कौन कौन थे, थे, करेंसी करेंसी क्या क्या है, है, ये ये सब सब इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है, है, और और कहाँ कहाँ पे पे पड़ता पड़ता है है तो तो अफ्रीका अफ्रीका में में पड़ता पड़ता है, है, ठीक ठीक है। है। नेक्स्ट नेक्स्ट आते आते हैं, हैं, हु हु इज इज द द करंट करंट प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट ऑफ ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक, बैंक, मैंने मैंने अभी अभी बताया बताया था था अजय अजय बंगा बंगा है, है, ठीक ठीक है, है, अजय अजय बंगा बंगा है। है। कितने कितने मेंबर मेंबर है है आईबीआरडी आईबीआरडी में, में, ये ये भी भी क्वेश्चन क्वेश्चन पूछता पूछता है, है, तो तो आईबीआरडी आईबीआरडी में में 189, 189, और और इतने इतने ही ही मेंबर मेंबर आईएमएफ आईएमएफ में में है, है, जितने जितने आईबीआरडी आईबीआरडी में में होते होते हैं हैं उतने उतने ही ही होते होते हैं। हैं। और और ब्रिटेन ब्रिटेन वुड वुड में में कौन 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 सी सी कंट्रियां कंट्रियां हैं, हैं, तो तो आईएमएफ आईएमएफ है है और और वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक बैंक है, है, ये ये दोनों दोनों चीजें चीजें आपको आपको याद याद रखनी रखनी होंगी। होंगी। हु हु अनाउंस अनाउंस द द अमरावती अमरावती एज एज द द सोल सोल कैपिटल, कैपिटल, कौन कौन अनाउंस अनाउंस किया किया अमरावती अमरावती को को सोल सोल कैपिटल, कैपिटल, चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू, नायडू, चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू, नायडू, ठीक ठीक है, है, चंद्रबाबू चंद्रबाबू नायडू। नायडू। नेक्स्ट नेक्स्ट आते आते हैं, हैं, विच विच बेंगलुरु बेंगलुरु बेस्ड बेस्ड सिनेमेटोग्राफर सिनेमेटोग्राफर किसको किसको मिला मिला है, है, तो तो नेत्रा नेत्रा गुरुराज गुरुराज को को मिला मिला है। है। व्हाट व्हाट इज इज द द कैपिटल कैपिटल ऑफ ऑफ मालदीव, मालदीव, मैंने मैंने पहले पहले ये ये भी भी बताया बताया था था थोड़ी थोड़ी देर देर पहले, पहले, माले। माले। मतलब मतलब सारी सारी चीजें चीजें यहाँ यहाँ से से आपको, आपको, अब अब मुझे मुझे लगता लगता है है एक एक भी भी लोगों लोगों का का क्वेश्चन क्वेश्चन गलत गलत नहीं नहीं होगा होगा एक एक भी भी स्टूडेंट स्टूडेंट का। का। एट एट डिग्री डिग्री चैनल चैनल किसके किसके बीच बीच में में है, है, तो तो इंडिया इंडिया श्रीलंका श्रीलंका है है नहीं, नहीं, मालदीव मालदीव श्रीलंका श्रीलंका है है नहीं, नहीं, मालदीव मालदीव इंडिया इंडिया सी, सी, ठीक ठीक है, है, ये ये आंसर आंसर होगा। होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट आते आते हैं, हैं, हु हु इज इज सेड सेड टू टू क्रिएट क्रिएट हिस्ट्री हिस्ट्री एज एज ए ए इंडिया इंडिया फर्स्ट फर्स्ट मेल, मेल, ठीक ठीक है, है, संग्राम संग्राम सिंह, सिंह, संग्राम संग्राम सिंह, सिंह, संग्राम संग्राम होगा, होगा, ठीक ठीक है, है, एमएमए एमएमए में में संग्राम संग्राम होगा होगा तो तो संग्राम संग्राम सिंह। सिंह। हु हु इज इज द द न्यू न्यू चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर ऑफ ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा, उड़ीसा उड़ीसा के के नए नए चीफ चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर कौन कौन बने बने हैं, हैं, मोहन मोहन माझी, माझी, मोहन मोहन माझी, माझी, मोहन मोहन माझी, माझी, ठीक ठीक है। है। इन इन विच विच ईयर ईयर वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक बैंक किस किस ईयर ईयर में में फॉर्म फॉर्म हुआ हुआ था, था, तो तो 1944, 1944। 1944। और वेयर वेयर इज इज द द हेडक्वार्टर हेडक्वार्टर ऑफ ऑफ वर्ल्ड वर्ल्ड बैंक, बैंक, वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी, डीसी, वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी। डीसी। आईएमएफ आईएमएफ का का भी भी वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी डीसी है, है, ठीक ठीक है, है, वाशिंगटन वाशिंगटन डीसी डीसी है, है, याद याद रखिएगा। रखिएगा। हाँ, हाँ, तो तो ये ये रही रही आज आज की की पूरी पूरी करंट करंट अफेयर। अफेयर। आई आई होप होप कि कि आपकी आपकी पढ़ाई पढ़ाई अच्छी अच्छी चली चली है, है, जो जो लोग लोग नहीं नहीं जुड़े जुड़े हैं हैं टेलीग्राम टेलीग्राम से से जुड़ जुड़ जाइए। जाइए। मिलते मिलते हैं हैं नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो वीडियो में। में। जय